वेलकम टू अनंत सर की क्लास। और अनंत सर की क्लास में आज आप लोग को बताए जाएंगे क्या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। नाम आप लोग सुने हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं LCM। अब ध्यान दीजिए, बहुत आसान है। क्या नाम है इसका, आप ये ध्यान दो कि इसका नाम है क्या मल्टीपल। एक तो इसमें सबसे पहला ध्यान देने का चीज़ है क्या कि यह क्या है, तो मल्टीपल है। क्या है, मल्टीपल है। नंबर वन, फोकस ऑन मल्टीपल। मैथ पढ़ाए सभी कोई, लेकिन समझाया किसी ने नहीं। प्रॉब्लम हो गया कि अब वह मैथ का उपयोग नहीं जान पा रहे हैं, दिक्कत हो रहे हैं। सबसे पहला तो हम आपको बताएंगे क्या मल्टीपल इसमें, उसके बाद इसमें बताएंगे क्या कॉमन, उसके बाद इसमें क्या देखेंगे कॉमन, और उसके बाद इसको फाइनली इसमें चेक करेंगे हम लोग क्या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी पढ़ेंगे जब हम इस चैप्टर्स को तो मल्टीपल, कॉमन और लोएस्ट। ओके, और इसका फुल फॉर्म है LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले क्या देखें मल्टीपल। अब चलो इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक एग्जांपल मैं उठाता हूँ 12 एंड 16 का फाइंड आउट LCM। आपको आएगा LCM फाइंड करने के लिए, तो आप लोग फाइंड तो कर लेते हो, लेकिन समझ में आ नहीं रहा है कि क्या कर रहे हो, किए जा रहे हो मगर मालूम नहीं है कि क्या कर रहे हो। 12 और 16 का क्या करना है, LCM निकालना है। क्या निकालना है, तो LCM नहीं, पहला तो मल्टीपल निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है, मल्टीपल। आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम दो मेथड है LCM निकालने के, उसमें से फर्स्ट मेथड जो है वो है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीपल लिखेंगे। तो मल्टीपल जो हम लोग लिखने जा रहे हैं वह लिखेंगे 12 का और 16 का। किसका किसका, 12 का और 16 का। मल्टीपल मीन्स व्हाट, मल्टीपल मीन्स व्हाट, मेरे को बताओ कोई मल्टीपल कैसे लिखाता है। हम लोग HCF पढ़े थे ना, वहाँ फैक्टर बताए थे। अब मल्टीपल में, मल्टीपल मीन्स व्हाट, मल्टीपल मीन्स टेबल, टेबल ऑफ टू, टेबल ऑफ थ्री, टेबल ऑफ फोर, उसी प्रकार से टेबल ऑफ 12, टेबल ऑफ 16। तो लिख डालो 12 का टेबल, तो इसका क्या होगा 12 × 1 = 12, 12 × 2 = 24, 12 × 3 = 36, 12 × 4 = 48। इसी तरह से हमारा यह मल्टीपल लिखाया। तो दिस इज व्हाट, दिस इज मल्टीपल, 12 × 1 = 12, 12 × 2 = 24। मल्टीपल हुआ ना 12 का 2 टाइम्स मल्टीपल, 12 का 3 टाइम्स मल्टीपल, 12 का 4 टाइम्स मल्टीपल 48, 12 का 5 टाइम्स मल्टीपल 60। ओके, क्लियर हुआ। इसी प्रकार से 16 का भी हम लोग मल्टीपल लिखेंगे। तो 16 का मल्टीपल फर्स्ट 16 × 1 = 16, बताओ मेरे को 16 × 2 = 32, 16 × 3 = 48 और 16 × 4 = 48। इस तरह से यह लिखाता चला जाएगा, कंटिन्यू बढ़ता जाएगा। क्लियर है ना, ऊपर वाला भी लिखाएगा और नीचे वाला भी लिखाते चले जाएंगे। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे क्या कॉमन, कॉमन डिजिट फाइंड करेंगे। तो इस तरह से यदि आप मल्टीपल लिखते जाओ 12 × 9, 12 × 10, 12 × 11, 12 × 14, 12 × 15, इस तरह से तो इनफाइनाइट मल्टीपल होगा। 16 का भी मल्टीपल इनफाइनाइट होगा, कितना होगा, इनफाइनाइट मल्टीपल होंगे। लेकिन हमें कैसा मल्टीपल फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कॉमन मल्टीपल। कैसा, कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल तो बहुत सारे इसमें होंगे क्योंकि इनफाइनाइट है तो, लेकिन कॉमन में भी क्या लोएस्ट, लोएस्ट सबसे छोटा वाला कॉमन मल्टीपल। तो इसमें ध्यान दो, तो सबसे छोटा देखो 12 और 16 दोनों में नहीं ना है, एक में 12 है दूसरे में 16। मल्टीपल सबसे छोटा वाला कौन सा है कॉमन, तो आपका 48। अभी सबसे छोटा 48 हमारे को कॉमन है। सबसे छोटा क्या कॉमन है, 48। तो 48 का मल्टीपल जो होगा 96, वह भी दोनों में मौजूद होगा। यहाँ भी 96 होगा और इसमें भी 96 आएंगे आगे जा करके, ठीक है, तो यह भी कॉमन हो जाएगा। इस तरह से 48 × 3 वह भी आपका मल्टीपल होगा, लेकिन सबसे छोटा कौन है, ये है 48। सबसे छोटा कौन है
48. तो आंसर क्या हो गया हमारे को 48. आंसर क्या हुआ 48. यह भी एक तरीका है आपका मल्टीपल निकालने का, ये एक वे है मल्टीपल निकालने का. लेकिन ये तो मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नहीं बताया, ये आपको मैंने एलसीएम समझाया कि इस तरह से भी हम लोग एलसीएम निकालते हैं. अब मैं आपको सिखाऊंगा एलसीएम निकालने के लिए बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड एलसीएम. तो एलसीएम क्या होता है ये समझ में आ गया ना, टू फाइंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. क्या एलसीएम है सब समझ में आ गया. अब इसमें हम लोग सीखने जा रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालने के लिए हम लोग सिर्फ सीख रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालने के लिए. आगे जाकर के ना इसका यूज नहीं करेंगे, इसका यूज नहीं करेंगे, हम लोग डिवीजन मेथड से निकालेंगे. चलिए एक एग्जांपल है, फाइंड एलसीएम किसका निकाल लूं, 64, 32 एंड 80. इसका एलसीएम आपको निकालना है किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो होता है वह मेरे अनुसार थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मेरे अनुसार थोड़ा जटिल है, यह सिर्फ सीखने के लिए ठीक है लेकिन डेली के उपयोग के लिए ठीक नहीं है. डेली के लिए उपयोग के लिए कौन सा ठीक है, डिवीजन मेथड, जो कि अभी हम लोग तुरंत देखेंगे. लेकिन कोर्स में पढ़ना है इसीलिए मैं बताए देता हूँ, सीखना जरूरी है, सीखना जरूरी है. 64 को अगर हम लोग तोड़ना शुरू करें तो सबसे पहला इसका एक 2 हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा. क्लियर है, 32 को तोड़े तो क्या आ जाएगा, 16 और 2 आ जाएंगे, 16 दुना का 32. 16 को अगर तोड़े तो 8 दुना 16, 8 को तोड़े तो 4 टू जा 8, है ना, 4 टू जा 8, तो 2, 16, 8, 4, इस तरह से ये आ रहे हैं. अब ये 4 को अगर हम लोग लिखें, 4 को अगर हम लोग लिखें तो 2 तो ठीक है, 2 है ना. 16 को भी हम लोग लिख सकते हैं और 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16. ये हमारे को 16 के लिए हो गया. ध्यान से देखिए फिर से, 16 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखिए 2 तो हमारा सिर्फ 2 हो गया, 16 को लिख सकते हैं ना, 2 into 2 into 2 into 2 हo gaya na, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16. अब हमारे को 8 का देखो, 8 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8. क्लियर है. अब मैं 4 का लिखूंगा तो 4 का क्या लिखाएगा, 2 into 2. ओके, ये लिखा गया, ये हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं. लेकिन हमारे को क्या लिखना है, 64 का लिखना है, तो इतना नहीं करेंगे. इसी प्रकार से यदि हमें 64 का लिखना है तो सिंपल है, बड़ा सिंपल है. देखो, 2 दुना 4, 4 दुना 8, 8 दुना 32, 32 दुना 64. बड़ा आसान हो गया ना, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 32 जा 64. ये हम लोगों ने लिखा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 644 को फैक्टर में. ठीक है, इसी प्रकार से यदि हम लोग 64 का अगर लिखे प्राइम फैक्टर्स, ये तो फैक्टर्स लिख दिए, अब 32 का प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं. तो 32 का प्राइम फैक्टर्स, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32. ये मैंने लिख दिया किसका, 32 का, सॉरी 32 का मैंने दे दिया है. चलो 32 हटाओ, 36 का निकालना है. 36 देखो, 36 देता हूँ, 32 में मज़ा नहीं आएगा, 36 दूंगा तो मज़ा आएगा. चलो देखो, 36 का 2 2 जा 4, ठीक है ना, और 4 9 जा 36 होगा, 4 9 जा 36 होगा, और 9 को अगर हम लोग तोड़े प्राइम फैक्टर में तो 3 into 3 लिख सकते हैं, 9 को
3 into 3। तो इस 9 को हम लोग हटा दें यहाँ से और सीधा यहाँ पर लिखते हैं 3 into 3। क्लियर? 2 into 2 into 3 into 3। नहीं समझ में आ रहा है, दिक्कत हो रहा है, पहले इसको देखो, मैं फिर से समझाऊंगा। ओके, पहले देखो यहाँ, अब मैं थर्ड 80 का निकालता हूँ, 80 को मैं प्राइम फैक्टर्स में लिखता हूँ। ध्यान से देखना इसको, 80 को ध्यान से, एकदम ध्यान से, इधर उधर नहीं। 80 को लिख सकते हैं कैसे, लिख सकते हैं कैसे, लिख सकते हैं 10 into 8 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना 10 into 8। 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 into 2 into 2, प्राइम फैक्टर तोड़ दिए, 2 2 जा 4 4 2 जा 8। 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 into 5। ओके, तो मेरे को क्या आ गया, 2 into 2 into 2, सबको सजा दे, into 2 into 5, ये मेरे को आया। तो ये है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 64, 36 and 80। यहाँ तक क्लियर? दिक्कत है? चलो दिक्कत है तो बाबा फिर से वन टाइम्स मोर, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। देखो कैसे निकालते हैं वो सीखते हैं। प्राइम फैक्टर्स हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, प्राइम फैक्टर्स किसका किसका लिखेंगे, हमको निकालना किसका। जो चलो भाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग निकाल रहे हैं किसका, 64, 36 and 80 का। कौन सा मेथड है? प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसा मेथड ये होता है? ये बड़ा लतखोर मेथड है, बड़ा बदमाश मेथड है, बड़ी बिगड़ैल है, बहुत माथा चटैल बिजनेस मेथड है, लेकिन सीखना जरूरी है, सीखना जरूरी है, कहे कि एग्जाम में गुरुजी पूछ देंगे, है ना। तो चलिए 64 का मैं लिखता हूँ प्राइम फैक्टर्स, क्या लिखता हूँ, प्राइम फैक्टर्स। तो देखो कैसे बनाते हैं प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स 64 का लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 64 को ऐसे लेंगे और यहाँ पर यूं, 64 लिए और यहाँ पर यूं बना लिए, क्या बना लिए, यूं बना लिए, क्या बनाए, एल बनाए, बड़ा वाला एल से इसको बंद कर दिए। अब 64 किससे कटेगा, किससे डिवाइड होगा, 2 से, सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 2 है जिससे किया डिवाइड हो जाएगा, कितना बार में, 32 टाइम्स में। फिर यह 2 कितने बार में, 16 टाइम्स में। फिर यह 2 कितने टाइम्स में, 8 टाइम्स में। फिर यह 2 कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में। फिर यह 2 कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में। हो गया। अच्छा आप कह रहे हो कि सर आप पहले ही बताते, ये नहीं ना बतावेंगे, थोड़ा दिमाग खाएंगे ना, वो भी सीखना जरूरी है। चलो अब लिख दो 2 into 2, यहाँ से लिखते जा रहे हैं, into 2 into 2 into 2 into 2, हो गया 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 जा 64। क्लियर? अब देखो 36 का लिखता हूँ, 36 का भी इसी तरह से निकालेंगे। 36 का निकालते हैं 2 से, सबसे पहले 2 से लग जाएगा क्योंकि लास्ट में 6 है, तो है ना, 18 2 जा 36, 3 से लगेगा, सॉरी 2 से लगेगा अभी भी, तो 2 से अभी भी लग रहा है, तो 2 से 9 2 जा 18, अब कितना से लगेगा, डिवाइड होगा, 3 3 जा 9। ओके, अब यहाँ लिखते हैं 2 into 2 into 3 into 3। ओके क्लियर? तो ये हमारा 36 का भी निकाल लिए। अब इसी प्रकार से 80 का भी प्राइम फैक्टर्स लिख दे, इसको इरेज कर देता हूँ, इसको इरेज करता हूँ। चलो बड़ा आसान है, मैथ सबसे आसान होता है कब, जब गुरुजी मस्त हो, अनंसर जैसा। 80, ओके, अब 80 का देखो 2 से दे दे, हाँ दे दीजिए ना सर, लास्ट में 0 है ना, बड़ा आसान है, 2 4 6 8 0 लास्ट में रहता है, तो 2 से, हाँ सबको मालूम है, 40 नहीं मालूम रहेगा तो मैं बताऊँगा, 2 से या फिर 20, 2 से 10, 2 से 5, हो गया। तो 80 का प्राइम फैक्टर्स लिख डालो, 2 into 2 into 2 into 2 into 5। ओके, सो सिंपल, बहुत आसान है। तो यहाँ पर 3 प्राइम फैक्टर्स आए हैं, 3 प्राइम फैक्टर्स आए हैं। एक नई का मेहमान आया है, कौन, एक नई का मेहमान आया है, उसका नाम है 2। एक नई का मेहमान 2 है जो सब में शामिल है, एक और नई का मेहमान है जो है 3।
ठीक है, एक और नई का मेहमान है जो 5। अब देखेंगे सबसे ज्यादा किसमें है, यहां पर 2 देखो तो 1 2 3 4 4 टाइम्स आया है। ओके, यहां पर कितना टाइम्स आया है, 1 2 टाइम्स आया है, यहां पर कितना टाइम्स, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 टाइम्स आया है। यहां पर कितना टाइम्स आ गया, 6 टाइम्स आ गया, कितना टाइम्स आया, 6 टाइम्स। तो 4 बड़ा कि 2 बड़ा कि 6 बड़ा, ये मेरे को बता दो कौन बड़ा है, 6 है ना, 6 बड़ा है। तो LCM में हम लोग सबसे बड़े वाले का महत्व देते हैं, किसको महत्व देते हैं LCM में, जो सबसे बड़ा हो, प्राइम फैक्टर्स का सबसे जो लार्जेस्ट हो, प्राइम फैक्टर्स में जो सबसे लार्जेस्ट हो। तो 2 इसमें 6 टाइम्स है, 2 इसमें 2 टाइम्स है, 2 इंटू 4 टाइम्स है, तो हम लोग 6 टाइम्स वाले को उठा के ला के यहाँ लिखेंगे। ओके, 1 2 3 4 5 और 6, क्लियर। क्या उठाएंगे, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर है ना, लार्जेस्ट, एल से लोएस्ट और एल से लार्जेस्ट, एल से लोएस्ट एल से लार्जेस्ट, लार्जेस्ट क्या, प्राइम फैक्टर्स, लार्जेस्ट क्या, प्राइम फैक्टर्स उठाएंगे। तो एक नई का जो है हमारा मेहमान 2, उसको 6 टाइम्स ले लिए। अब दूसरा जो मेहमान है वो देखते हैं, 3 को देखते हैं, तो 3 जो है यहाँ 2 2 टाइम्स है, इसमें तो है ही नहीं, इसमें है ही नहीं। ओके, तो 2 टाइम्स 3 लिख दो, 3 इंटू 3 इंटू, अब देखो 5 कितना टाइम्स है, 1 टाइम्स है, सिर्फ इसमें है ना, इसमें है ना, इसमें, तो चलो एक ही टाइम्स है, तो सबसे ज़्यादा 5 एक ही बार आया, हो गया। अब इन सब का मल्टीपल कर दो, गुना कर दो, सबको क्या करेंगे, गुना करेंगे। चलिए 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 जा 64 इंटू 3 3 जा 9 इंटू 5 64 इंटू 9 इंटू 5, अब गुना करेंगे, मल्टीपल करेंगे। चलिए तो ये आ जाएगा 2880 आंसर। ये है प्राइम फैक्टर्स, नोट डाउन, ये है प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर से हम लोग LCM इसी प्रकार से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, ऐसे ही निकालते हैं जैसे कि मैंने बताया। अब मैं आपको बताऊंगा कौन सा मेथड, अब मैं आपको बताऊंगा डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड, डिवीजन, DIVISON डिवीजन मेथड, किसके लिए, फॉर LCM, LCM, LCM के लिए कौन सा मेथड आप देखने जा रहे हो, डिवीजन मेथड। तो ये मेथड बड़ा आसान मेथड है, बड़ा मजा आएगा, बहुत आसानी से निकलेगा, और हम लोग सब डिवीजन मेथड से निकालेंगे, प्राइम फैक्टर को पढ़ लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, एक्सरसाइज बना लेंगे और बुला जाएंगे। किससे बनाएंगे, LCM बाय डिवीजन मेथड। क्या है सर इतना इसको बढ़ा चढ़ा रहे हैं, क्यों बढ़ा चढ़ा रहे हैं बताइए सर जी, क्योंकि ये लल्ली पॉप है, क्योंकि यह गोलगप्पा है, क्योंकि यह चॉकलेट है, बनाना इससे आसान है। चलिए नंबर 1, फाइंड द LCM, फाइंड द LCM, LCM फाइंड करना है किसका, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, 8 16 और 12 का। इसका तो हम ऐसे ही निकाल देंगे, इसका बिना निकाले हुए आंसर हम बता देंगे कि इसका आंसर आएगा कितना, जो कितना आएगा, जो हम बता देंगे आना चाहिए आपको 48। चलो देख लेते हैं, चलो देखते हैं कैसे बता बनाए, वो भी बताएंगे, टेंशन ना लो। डिवीजन मेथड में 8 16 और 12 को राइट डाउन, और लंबा वाला L डाल दो, लंबा वाला L डाल दो, 8 भी 2 से डिवाइड होगा, 16 भी होगा, 12 भी होगा, तो 2 से सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 8 कितना टाइम्स में कटेगा, 4 टाइम्स में कटेगा सर जी, तो 4 लिखेंगे। 16 कितना टाइम्स में कटेगा, तो 8 टाइम में 2 8 या 16,
और 12 कितना टाइम्स में, 6 टाइम्स में, तो 2 6 जा 12। अब 4 को लग देखो, अभी भी ये 2 से, ये भी 2 से, ये भी 2 से, चलो 2 से फिर दे दो, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो बड़ा आसान है सर जी। इससे आसान क्या होगा, फिर अभी भी 2 कट रहा है 2 से, ये भी 2 से, ये भी, चलो तो और अभी बढ़िया है, काट डालिए 2 और 3। अब ये 2 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, मिनिमम 2 में डिवाइड होना चाहिए, मिनिमम कितना में होना चाहिए, 2 में, तब उसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, 2 डिजिट्स में होना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 से एक ही होता है, 3 से एक ही होता है, तो बार बार डिवाइड करने से कोई फ़ायदा नहीं है, है ना। तो एलसीएम मेरे को क्या आएगा, बड़ा सिंपल है, एलसीएम जो हो गया वह हो गया, एलसीएम इज इक्वल टू, एलसीएम क्या हो गया भैया, एक हो गया ये वाला 2 नंबर 1, दूसरा हो गया ये वाला 2, तीसरा हो गया यह 2, फोर्थ हो गया यह 2, और फिफ्थ हो गया यह 3। चलो तो लिख दे 2 × 2 × 2 × 2 × 3, ये हो गया मल्टीपल। अब इसको गुना करें, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, और 16 3 जा 48। आंसर नोट डाउन एवरीवन, मैंने बताया था ना कि 48 आएगा, है ना, वही आया ना, कोई दिक्कत है किसी को, दिक्कत है नहीं ना, बड़ा आसान है ना, नोट करो, अभी फिर बताएंगे, अभी बताएंगे, अभी और बताएंगे, टेंशन काहे का लेता है रे, देख ले, यहाँ पर डिवीजन मेथड पढ़ा रहे हैं, मैंने भी पढ़ाया था 64 36 और 80 का, चलो इसको भी बनाते हैं डिवीजन मेथड से, है ना, 64 36 और 80 को भी बनाएंगे डिवीजन मेथड से। चलो फाइंड एलसीएम ऑफ 64 36 and 80 बाय डिवीजन मेथड, बड़ा लॉलीपॉप मेथड है, डिवीजन मेथड कैसा है, लॉलीपॉप मेथड। तो स्टार्ट हो जाओ, शुरू भी हो गया बहुत सा बंदा, चलो देख लो देख लो देख लो देख लो, मैं बता रहा हूँ जो, देख लो देख लो, किससे लगाऊं किससे लगाऊं, सर जी लास्ट में 4 है, सर जी लास्ट में 6 है, सर जी लास्ट में 0 है, तो 2 से लगा दीजिए ना सर जी, सोचते क्या हैं, सर जी नहीं सोच रहे हैं, तुमको देख रहे हैं, 2 को 64 32 टाइम्स में हो गया, ये 18 टाइम्स में, ये 40 टाइम्स में, क्लियर है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम काहे होगा, सर जी अनंत सर है ना, नहीं होगा ना, फिर 2 से, हाँ 16 9 20, प्रॉब्लम है, नहीं है ना सर जी, फिर 2 से 8 2 जा 16 9 को नहीं होगा सर जी, 10 2 जा 20, जो नहीं होता है वो सेम उतर जाता है, जो नहीं लगता वो सेम उतर जाता है, उतर गया था 9 सेम, अभी 2 और 10 8 और 10 होगा, 8 और 10 में भाग लगेंगे, तो 2 से 4 2 जा 8 9 5 2 जा 10, अब होगा, लगेगा नहीं लगेगा सर जी, अब नहीं लगेगा, 4 2 से लगेगा, 2 से ये नहीं होगा, ये 2 से नहीं होगा, ये 3 से होगा, 3 से ये नहीं होगा, 3 से ये नहीं होगा, 5 से ये होगा, 5 से ये नहीं होगा, 5 से ये नहीं होगा, तो क्या फ़ायदा है, एक को हम लोग भागा नहीं देंगे, जब भी देंगे एलसीएम में तो कम से कम 2, कम से कम 2, कम से कम 2, है ना, एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 4 × 9 × 5, भैया गुना कर लो ना, हमको तंग मत करो भैया, तंग करेगा तो चलो आंसर स्टाइल, लड्डू खाएगा आंसर, क्या करेगा, लड्डू खाएगा आंसर, कैसे खाएगा लड्डू, कहाँ से आएगा लड्डू, यहाँ देखो आएगा, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 और 16 4 जा 64 64 64 जा 64 × 5 × 9
अब क्या करें, लड्डू खाएं, कहाँ से आएगा, 5 से आएगा, तो 64 को 5 से आंसर मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 5 20 जीरो कर दो, 3 2 0, देखो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं आंसर, 3 2 0 × 9 इक्वल टू, अब इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, लड्डू आ गया, आसान हो गया, 0 9 2 18 कहीं 1 27 1 2 8 8 0 2 8 8 0 आंसर बन गया। नोट डाउन लिख डालो, बड़ा आसान है एलसीएम बड़ा आसान है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ाए थे ना, देखो तो जरा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये बनाए थे, आया था ना 2880, है ना, और यहाँ देखो डिवीजन मेथड में आया ना 2880, चाहे नाक ऐसे छुओ चाहे घुमा के छुओ बात बराबर है, लेकिन ऐसे छुए आसानी से इसको कहें क्या, डिवीजन मेथड, और घुमा के छुआ तो इसको क्या कहें, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। समझ में आ गया ना, आया ना समझ में, कौन है डिवीजन मेथड और कौन है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, आंसर आ गया ना। तो यहाँ पर जा करके तुम लोग का एलसीएम मैंने बताया, अब अगला क्लास में फिर पढ़ाएंगे एलसीएम। ओके थैंक यू, अभी थैंक यू नहीं होगा, अभी तो और बताएंगे, छोड़कर तुमको नहीं जाएंगे जब तक कि पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे एलसीएम का डिवीजन मेथड। ओके तो एक एग्जांपल और देखो, बता तो दिए हैं, खाली प्रैक्टिस करा देते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम ठीक है ना, ऑफ 112 252 and 99। सर इतना क्यों पढ़ाते हैं, हमको करने दीजिए ना। तो भैया करूँ, मना कौन करता है तुमको, मेरे को बनाने से पहले तुम बना डालो ना, नहीं तो मेरा वीडियो रोक दो वहीं पर और शुरू हो जाओ, उसके बाद देख लेना। अनंत सर स्टाइल जरूरी है सीखने के लिए, मैथ है, मैथ इज फन, मैथ तो फन है, खेल है, खेल खेल में सीख लो। 112 252 99 हो गया जी, एल लिखे लंबा वाला, क्या लिखे लंबा वाला, एल, ये भी 2 से और ये भी 2 से दे दे। हाँ सर जी, छोड़िए मत, बखसिए मत इसको, है ना, बखसिए मत, 2 से 1 2 1 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 हो गया, चलो 2 से 2 5 2 को, 2 2 जा 1, 2 2 जा 4, 1 2 बचा, 2 6 जा 12। डिवीजन सबका बढ़िया होना चाहिए, नहीं तो रफ में भागा देते रहो ऐसे करके, 2 5 2 पकड़ो और डिवाइड करो, 1 2 कटेगा, फिर 5 उतारेंगे, फिर 2 टाइम्स देंगे 4, फिर 1, फिर ऊपर से 2 उतारेंगे, फिर 6 टाइम्स देंगे। अब इतना करोगे, मैंने तो यही कर डाला भैया, प्रैक्टिस करो ना मेरे बबुओं, मेरे बच्चों, सब प्रैक्टिस कर डालो, सोचो मत, जो जितना मेहनत करेगा वो उतना ही अच्छा बनेगा। चलिए अब 2 से फिर देता हूँ, 2 से, अरे ये तो कलर बढ़िया नहीं है, 2 से 2 2 जा 4 और 1 6 18, 8 2 जा 16, सीख लो, हाँ 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 99। चलिए अब ये 2 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये 2 से नहीं कटेगा, ये भी 2 से नहीं कटेगा, तो मैंने क्या कहा था, कम से कम 2 पकड़ लेना, है ना। चलो तो शुरू हो जाए, अब कितना से लगा दूं ये बताओ ना, 3 से ये कटेगा, 3 से 63 कटेगा, लास्ट में 3 एक कट जाएगा, लास्ट में 9 एक कट जाएगा, है ना, तो 3 से दे दो, 3 से 28 को सेम उतार दो, जिसमें डिवीजन नहीं होता सो क्या करते हैं, सेम नीचे लिख देते हैं, क्लियर है ना। चलो अब 3 से 63 से 3 2 जा 6, 3 1 जा हो गया 21, 3 जा 63, 3 से 99 में 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 हो गया, 3 से 21 कटेगा, 33 कटेगा, हाँ सर जी कटेगा ना, तो
थोड़ी है कि ना कटेगा, कटवे करेगा तो काट दो ना बबुआ, करता का है। 28 नहीं कटेगा लेकिन 21 तो कटेगा, 7 3 जा 21 और ये 11 3 जा 33। अब क्या करे सर जी, 3 से न ये कटेगा, न 5 से कटेगा, न 2 से कटेगा, ओहो 7 से कटेगा, 7 से ये भी कटेगा, 7 से ये भी कटेगा, तो 7 4 जा 28, 7 1 जा 7 और 11। अब ये भाग लगेंगे दो, मिनिमम दो नहीं लगेंगे, ये 2 से कटेगा लेकिन 2 से ये नहीं कटेगा, 5 3 7 11 11 से ये कटेगा तो ये नहीं कटेगा, तो भाग देने का कोई फायदा नहीं है। अब नीचे और प्राइम फैक्टराइजेशन में जाने का कोई फायदा नहीं है, तो LCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 into 2 2 into 3 into 3 into 3 into 3 into 7 into 4 into 7 into 4 into 11। अब मल्टीपल गुना करो, क्या करो, गुना करो, मल्टीप्लाई करो और आंसर लिख डालो। आंसर करेंगे ना तो लग करेगा, अच्छा बता देते हैं का है टेंशन लेता है। 2 2 जा 4 4 3 जा 12 4 3 जा 12 12 3 जा 36। चलो यहाँ लिख दिए, आसान हो गया। अब इधर देखो, 11 4 जा 44 इंटू 7। अब क्या करोगे, 36 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 7 को 44 से मल्टीप्लाई कर दो और आंसर लिख डालो। आंसर आएगा, मैं देख के बता देता हूँ, 11088। मैं गुना नहीं करूँगा, तुम लोग गुना करोगे, मल्टीप्लाई करोगे इसको तो आएगा आंसर। करे अरे भैया कितना दौड़ाएगा, 36 को 44 से मल्टीप्लाई नहीं करेगा, 6 4 जा 24 2 3 4 जा 12 2 14 हो गया ना, 6 4 जा 24 2 4 3 जा 12 2 14 4 4 4 8 और ये हो गया 4 1 5 1 5 8 4। अब 1 5 8 4 को किससे मल्टीप्लाई कर दे, 7 से कर दूँ ना, 7 से, चलो 7 4 जा 28 2 5 आ गया 11088। क्लियर हो गया, तो यहाँ तक में मैंने LCM आप लोगों को बता दिया है। अब आप लोगों के लिए कुछ मैं होमवर्क देता हूँ, सभी लोग होमवर्क बनाएंगे, इसे नोट करेंगे, उसके बाद मैं होमवर्क दूंगा। ओके चलिए, क्वेश्चन 1, फाइंड द LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बनाना है। सभी कोई ध्यान देंगे, ए 25 30 एंड 40, बी 42 36 एंड 21, सी 36 60 84 एंड 90। ओके चलिए, क्वेश्चन 2, फाइंड द LCM बाय डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड से अब बनाना है। एक लिखिए, ए में लिखिए 15 45 125 एंड 225, बी में नोट कीजिए 18 28 35 60 एंड 100, सी में नोट कर डालिए, सर बहुत परेशान करते हैं आप, 44 126 198 एंड 280, डी भी नोट कहीं डालिए, 12 36 16 24 एंड 32। ओके एवरीवन,
नोट डाउन बना लीजिएगा, क्लास में मैं चेक करूंगा सबका। एग्जाम के लिए सुपर 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 हिट क्वेश्चंस आएगा 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 आएगा, छोड़ेंगे तो नहीं, याद रखना। ओके तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में और भी कुछ स्पेशल जानकारी के साथ HCF और LCM का। ओके थैंक यू, गुड बाय।